अमृत मिशन भारत सरकार का पहला वाटर फोकस्ड मिशन 2015 में 500 शहरों से शुरू हुआ, जिससे 1,89,00,000 घरों को नल से स्वच्छ जल मिला और 1,47,00,000 से अधिक सीवरेज कनेक्शन किए गए। इससे शहरी जल कवरेज 48% से बढ़कर 70% हो गया। अमृत 2.0 के तहत देश में लगभग 2 करोड़ नए टैप कनेक्शन और 8,000 ML कैपेसिटी के साथ लगभग 1.5 करोड़ नए सीवरेज कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ ये मिशन इस्तेमाल किए हुए जल को पुनः उपयोग में लाने की ओर भी अग्रसर है। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6,825 करोड़ रुपए की लागत से बनी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण किया गया है। इससे करीब 12.5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है। इस दिशा में प्रयासरत नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 5 इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए कुल 5 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन सभी परियोजनाओं के संचालन से गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता बढ़ेगी और स्थानीय निवासी इससे लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी जी के स्वच्छता से समाज के विकास के स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अब कंप्रेस्ड बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस पहल से प्रदूषण तो कम हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30.6 TPD क्षमता वाले 6 संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 58.6 TPD की कुल क्षमता वाले 9 CBG संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है।